हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। गाइस आज के इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल सा स्टाइलिश नेक डिज़ाइन बनाना बताऊंगी और ये डिज़ाइन बहुत ज़्यादा इजीली बन जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं कि हमें डिज़ाइन कैसे बनाना है। हमने यहाँ पर ये बुकरम का पीस लिया है और ये देखिए मैंने यहाँ पर पेपर पेस्टिंग वाली ये बुकरम ली है। इसकी लेंथ मैंने यहाँ पर 16 इंच ली है और इसकी चौड़ाई मैंने यहाँ पर 9.5 इंच ली है। आपको दिखाई दे रहा होगा 9.5 इंच हमने यहाँ पर इसकी चौड़ाई ली है और 16 इंच हमने यहाँ पर इसकी लंबाई ली है। अब हम इसको क्या करेंगे, हम इसको यहाँ पर ऐसे करके फोल्ड करेंगे। देखिए हम यहाँ पर ऐसे करके एक निशान लगाएंगे 3 इंच पर। 3 इंच पर हमने ऐसे करके गले का चौड़ाई का निशान लगा लिया है। अगर आप यहाँ पर छोटे गले पहनते हैं तो आप 2.5 इंच पर लगाएं, नहीं तो आप यहाँ पर 3 इंच लगा सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर 3 इंच पर अपने गले की चौड़ाई रखी है। अब हम यहाँ पर इसकी लेंथ रखेंगे 7.5 इंच। हम यहाँ पर अपना पूरा जो गला तैयार वो 7 इंच रखेंगे तो हम यहाँ पर हमारा जो ऊपर 1/2 इंच हमारा ऊपर यहाँ पर सिलाई में चला जाएगा। तो यहाँ पर इसलिए हम 7.5 इंच पर एक निशान ऐसे करके लगाएंगे, ये देखिए, और उस निशान को हम यहाँ पर ऐसे करके सीधा कर लेंगे। अब हमें क्या करना होगा, हम यहाँ से एक निशान ऐसे करके लगाएंगे 6 इंच पर। 6 इंच पर ये निशान लगाने के बाद हम यहाँ से एक निशान लगाएंगे 1.5 इंच पर। ये देखिए 1.5 इंच पर एक निशान ऐसे लगाने के बाद अब हम यहाँ पर ऊपर आएंगे और यहाँ पर एक निशान लगाएंगे ऐसे 4 इंच पर। ये देखिए 4 इंच पर एक निशान ऐसे लगाने के बाद अब हमें क्या करना होगा, हम यहाँ से इस निशान को ऐसे करके मिला देंगे। ये देखिए हमने यहाँ पर इस निशान को ऐसे करके मिला दिया है। अब हम यहाँ पर ऐसे करके एक हल्की सी गोलाई देंगे। ये देखिए हमने यहाँ पर गोलाई दे दी है। अब हमें यहाँ पर क्या करना होगा, हम यहाँ पर ऐसे करके 1.5 इंच पर ऐसे ही गोलाई में निशान लगाएंगे। देखिए हमने यहाँ पर 1.5 इंच पर ऐसे गोलाई में निशान लगा लिया है। अब हम यहाँ पर ऐसे ही इन निशानों को भी मिला लेंगे। देखिए यहाँ पर इन निशानों को मिलाने के बाद हमें क्या करना होगा, हम यहाँ पर ऐसे करके गोलाई देंगे। ये देखिए यहाँ पर ऐसे गोलाई देने के बाद हमें यहाँ पर एक निशान ऐसे में लगाना है, ये देखिए तिरछे में कुछ इस टाइप से। ये देखिए अब हमें यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पर हमने अपने गले की मार्किंग कर ली है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर 1/4 इंच या आप 1 इंच का गैप देकर भी यहाँ पर ऐसे करके मार्किंग कर ले। तो चलिए मैं यहाँ पर ऐसे करके मार्किंग कर लेती हूँ। देखिए मैंने यहाँ पर ऐसे करके मार्किंग कर ली है। अब हम यहाँ पर इसकी कटिंग कर लेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बाहर वाले से की कटिंग कर लेते हैं। तो हम इसको यहाँ पर ऐसे करके कट करेंगे। देखिए हमने यहाँ पर बाहर वाले हिस्से की कटिंग कर ली है। अब हमें यहाँ पर क्या करना होगा, हम यहाँ पर ऐसे अंदर वाले हिस्से की भी कटिंग कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पर ऐसे करके इसकी भी कटिंग कर लेते हैं। देखिए मैंने यहाँ से इसकी सर्कल की कटिंग कर ली है। अब हमें यहाँ पर क्या करना होगा, हम यहाँ से इसकी कटिंग करेंगे और देखिए यहाँ पर इसकी कटिंग करने के बाद आप जैसे भी कंफर्टेबल हो आप वैसे यहाँ पर बुकरम को रखकर कटिंग कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मुझे दिक्कत हो रही है, इस वजह से मैं यहाँ पर बुकरम को घुमा रही हूँ। तो देखिए हम यहाँ पर ऐसे करके कटिंग कर लेंगे। देखिए हमने यहाँ पर ऐसे करके गले की कटिंग कर ली है। आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए हमने यहाँ पर गले की कटिंग कर ली है। अब हम यहाँ पर जो हमारा अंदर वाला हिस्सा बचा हुआ है उसकी कटिंग करेंगे। तो हमें यहाँ पर इसकी कटिंग कैसे करनी होगी, सबसे पहले हम यहाँ पर ऐसे करके इसकी कटिंग कर लेते हैं।
देखिए हमने यहाँ पर से कटिंग कर ली है, अब हम यहाँ से इसकी कटिंग करेंगे, देखिए, और इसको हम यहाँ से ऐसे करके अलग कर देंगे। देखिए हमें यहाँ पर ऐसे करके कटिंग करनी थी तो मैंने यहाँ पर कर ली है। अब मैं इसको यहाँ पर जॉइंट को खोल देती हूँ। ये देखिए हमारे पास कुछ इस टाइप से यहाँ पर पीस आ चुके हैं और ये दो पीस आ चुके हैं। मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ कि हमें यहाँ पर कैसे जॉइंट को सेट करना है। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर अपने गले को रखेंगे, ये देखिए हमने यहाँ पर अपना गला ऐसे करके सेट किया। अब यहाँ पर हम यहाँ पर ऐसे करके इन दोनों पीस को रखेंगे, ये देखिए यहाँ पर इन दोनों पीस को रखने के बाद, देखिए इसको यहाँ पर ऐसे सेट करने के बाद हम इसको यहाँ पर ऐसे करके सेट करेंगे। और देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, फैब्रिक लेंगे और फैब्रिक के ऊपर इनको पेस्ट कर लेंगे। और ये जो हमारे यहाँ पर दो पीस बचे हुए हैं ये हम यहाँ पर मैचिंग के फैब्रिक पर पेस्ट करेंगे और इनको यहाँ पर हम पूरे एक फैब्रिक पर पेस्ट कर लेंगे पूरे एक। मतलब मेरा मतलब कहने का मतलब ये है कि हम यहाँ पर इस वाले जो हमारे ये चार पार्ट है हम इनको यहाँ पर एक कलर के फैब्रिक पर पेस्ट करेंगे और जब यहाँ पर ये डिज़ाइन बनाएंगे हम जो यहाँ पर मैचिंग का फैब्रिक यूज़ करेंगे उसको यहाँ पर पेस्ट कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पर ऐसे फैब्रिक लेते हैं और उसको पेस्ट कर लेते हैं। देखिए मैं इसको यहाँ पर इस कलर के फैब्रिक पर पेस्ट करूँगी और जो हमारे दो पीस बचे हैं उनको मैं यहाँ पर पिंक कलर के फैब्रिक पर पेस्ट कर लूँगी। तो चलिए इसको हम यहाँ पर प्रेस की हेल्प से चिपका लेते हैं। ये देखिए हमने यहाँ पर ऐसे करके बुकरम के गले को इस यहाँ पर पेस्ट कर लिया फैब्रिक पर। और मैंने आपको बताया था हम यहाँ पर ये दोनों पीस मैचिंग के फैब्रिक पर पेस्ट किए हैं और ये वाली पीस मैंने यहाँ पर सेम कलर के फैब्रिक पर पेस्ट किए हैं। अब हमें यहाँ पर क्या करना होगा, देखिए मैंने यहाँ से फालतू फैब्रिक को कट कर दिया है। अब हम यहाँ पर गोलाई में कट लगाएंगे, देखिए ऐसे ही कट हम इधर भी लगा लेंगे और यहाँ पर उसको ऐसे करके एक कच्ची सिलाई लगा लेंगे। तो चलिए इसको यहाँ पर ऐसे करके फोल्ड करते हुए यहाँ पर एक कच्ची सिलाई लगा लेते हैं। गाइस ये देखिए मैंने उसको यहाँ पर ऐसे करके सिलाई लगा ली है और सिलाई लगाने के बाद मैंने देखिए उसको यहाँ पर प्रेस से सेट कर बीच पर सेंटर में एक यहाँ पर क्रीज भी बना ली है। अब हमें यहाँ पर क्या करना होगा, हम यहाँ पर अपनी कुर्ती को लेंगे, ये हमारी कुर्ती है और इसके सेंटर में आपको यहाँ पर एक क्रीज बनी हुई दिखाई दे रही होगी। अब हमें यहाँ पर क्या करना होगा, देखिए सबसे पहले हम इसको यहाँ पर ऐसे करके सेंटर पर बीच में यहाँ पर एक कच्ची सिलाई लगा लेंगे जिससे हमारा जो डिज़ाइन है वो इधर इधर नहीं होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बीच में एक कच्ची सिलाई लगाएंगे। कच्ची सिलाई लगाने के बाद हम बिल्कुल यहाँ पर बुकरम के पास में एक सिलाई लगा लेंगे। तो चलिए यहाँ पर ऐसे करके सिलाई लगा लेते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पर सेंटर में सिलाई लगाने के बाद यहाँ पर पास पास में भी सिलाई लगा ली है। मैं आपको यहाँ पर दूसरी तरफ से दिखा देती हूँ। ये देखिए हमारे पास यहाँ पर टोटल तीन सिलाई आ चुकी हैं, एक ये, एक बीच में कच्ची सिलाई और एक ये। तो देखिए अब हमें यहाँ पर क्या करना होगा, हम इसको यहाँ पर ऐसे करके सी हमें क्या करना होगा, हम यहाँ पर कटिंग करेंगे। देखिए हम यहाँ पर आधे इंच से भी कम मार्जिन का गैप देते हुए कटिंग कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पर ऐसे कटिंग कर लेते हैं। देखिए हमने यहाँ पर आधे इंच भी कम मार्जिन से कटिंग कर ली है। अब हमें यहाँ पर क्या करना होगा, एक कट हम यहाँ लगाएंगे, फिर छोटे छोटे कट हम यहाँ पर लगाएंगे और फिर एक कट यहाँ पर लगाएंगे, ऐसे ही एक कट इधर भी लगाएंगे। देखिए हमने यहाँ पर भी ऐसे ही सेम प्रोसेस से कट लगा ली है। अब हमें यहाँ पर क्या करना होगा, हम यहाँ पर ऐसे करके अपने गले को पलट देंगे। देखिए हम यहाँ पर अपने गले को ऐसे पलटने के बाद आप यहाँ पर उसको प्रेस से सेट कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पर एक सिलाई भी लगा सकते हैं बिल्कुल पास में। तो चलिए हम इसको यहाँ पर ऐसे करके प्रेस से सेट कर लेते हैं और अपने गले को बाहर की ऐसे अंदर की तरफ पलट लेते हैं। और देखिए हम यहाँ पर ऐसे पलटने के बाद अपना गला क्या करना होगा, हम यहाँ पर ऐसे करके दो स्ट्रिप्स लेंगे।
और देखिए मैंने यहाँ पर दो स्ट्रिप्स ली हैं, यहाँ पर मैंने स्ट्रिप की चौड़ाई 1.5 इंच ली है और यहाँ पर जो मैंने स्ट्रिप की लंबाई ली है वो 18 इंच ली है। अब हम यहाँ पर क्या करना होगा, हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। तो हम यहाँ पर आधा आधा इंच का मार्जिन देते हुए दोनों तरफ सिलाई लगा लेंगे। तो चलिए यहाँ पर ऐसे करके आधे इंच का मार्जिन देते हुए दोनों तरफ सिलाई लगा लेते हैं। ये देखिए हमने यहाँ पर अपने गले को पलटने के बाद प्रेस से सेट कर लिया है, ये हमारा यहाँ पर पीछे से है। अब देखिए हमें यहाँ पर क्या करना होगा, मैं यहाँ पर मैचिंग का फैब्रिक लूँगी और उस फैब्रिक को मैं यहाँ पर ऐसे डबल फोल्ड करने के बाद, देखिए इसको ऐसे करके डबल फोल्ड करेंगे, जो हमारी खुली साइड होगी वो हमारी इस तरफ होगी। और देखिए इसको यहाँ पर ऐसे रखने के बाद यहाँ पर एक स्टिच लगाएंगे। तो चलिए और देखिए मैंने यहाँ पर ये और भी स्ट्रिप ले ली है, ये देखिए ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेचेबल होती है। और ये और ये पट्टी हम यहाँ पर ऐसे करके लगाएंगे। तो चलिए इसको यहाँ पर ऐसे करके लगा लेते हैं अपने पूरे गले में पट्टी को। और देखिए इसको यहाँ पर लगाएंगे और हमें क्या करना होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया था हमें यहाँ पर एक पट्टी में सिलाई लगा लेनी है। मैं आपको यहाँ पर इसकी चौड़ाई बता देती हूँ, देखिए मैंने पूरे जो टोटल बीच में गैप रखा है सिलाई का वो हमारा यहाँ पर आधा इंच है। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना होगा, हम यहाँ पर इस पट्टी को पलट लेंगे। तो हमें यहाँ पर इस पट्टी को कैसे पलटना होगा, हम यहाँ पर सुई धागे की हेल्प से एक नोट लगाएंगे। मैंने यहाँ पर सुई में डबल करके धागा डाला है। तो देखिए हम इसको यहाँ पर ऐसे करके एक नोट लगा लेते हैं और यहाँ पर फिर हम अंदर अपने फैब्रिक में ऐसे करके सुई डालेंगे। ये मैं यहाँ पर ऐसे करके सुई को बाहर की तरफ निकाल लेंगे। ऐसे हमें यहाँ पर कपड़े को इकट्ठा करते चले जाना है और पीछे की तरफ खींचते हुए चले जाना है। ये देखिए हमारी यहाँ पर सुई निकल करके बाहर आ गई है। अब यहाँ पर हम ऐसे करके धागे को लपेट लेंगे और उसको खींच लेंगे। तो हम यहाँ पर उंगली पर ऐसे करके धागा लपेट लेते हैं। अब देखिए हमें क्या करना होगा, हम जो हमारा यहाँ पर फैब्रिक है उसको हम यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे करके खींचेंगे, जिससे जो हमारी पट्टी है वो आसानी से पलट जाएगी। तो चलिए इसको हम यहाँ पर ऐसे करके खींचते हैं और हमारी पट्टी यहाँ पर पलटनी शुरू हो जाएगी। देखिए हमारी पट्टी यहाँ पर पलटनी शुरू हो गई है और मैं यहाँ को फैब्रिक को ऐसे पीछे करती जा रही हूँ और हमारी पट्टी यहाँ पर पलटती जा रही है। और देखिए हमारी यहाँ पर पट्टी बाहर निकल के आ चुकी है। अब देखिए हमें यहाँ पर क्या करना होगा, हम इसको यहाँ पर ऐसे करके प्रेस से सेट कर लेंगे और अपने गले में पाइपिंग को लगाएंगे। तो चलिए इतना करते हैं। देखिए हमने यहाँ पर ऐसे करके अपनी पाइपिंग को लगा लिया है। अब हमें यहाँ पर क्या करना होगा, हम यहाँ पर कट लगाएंगे। तो एक कट हमें यहाँ पर लगाना होगा, फिर हमें यहाँ पर छोटे छोटे कट लगाने होंगे और फिर हमें एक कट यहाँ पर लगाना है, एक कट इधर लगाना है और सेम ऐसे ही इधर भी कट लगानी है। और यहाँ पर कट लगाने के बाद हमें क्या करना होगा, जो हमारा ये देखिए हमारे यहाँ पर ये कोने हैं, जो यहाँ पर हमारा थोड़ा सा यहाँ पर फैब्रिक ऐसे करके मुड़ रहा है, तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा, हम यहाँ पर हल्का सा कट लगा देंगे। देखिए हल्का सा कट लगाने के बाद ये थोड़ा खुल जाएगा और हमें यहाँ पर पाइपिंग पलटने में कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी। तो हम यहाँ पर ऐसे ही चारों कोनों पर अपने कट लगा लेते हैं। देखिए अब हमें यहाँ पर क्या करना होगा, मैंने यहाँ पर कट लगा ली है। अब कट लगाने के बाद देखिए आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा मैंने आधे इंच की भी कम मार्जिन से यहाँ पर सिलाई लगाई है। हमें यहाँ पर ऐसे ही बिल्कुल थोड़ा थोड़ा फैब्रिक लेते हुए सिलाई लगानी है। अब देखिए हम यहाँ पर इसको ऐसे करके अंदर की तरफ पलटेंगे और देखिए इसके अंदर की तरफ पलटने के बाद हम यहाँ पर ऐसे करके पाइपिंग बना लेंगे। आप यहाँ पर जितनी बारीक है जितनी मोटी पाइपिंग बनाना चाहें आप बना सकते हैं। तो चलिए हम इसको यहाँ पर ऐसे फोल्ड करते हैं अंदर की तरफ और यहाँ पर पाइपिंग बनाने के बाद यहाँ पर किनारे पर एक सिलाई लगा लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर ऐसे करके अपने पूरे गले में पाइपिंग को लगा लेते हैं। ये देखिए हमने यहाँ पर गले में पाइपिंग लगा ली है और मैं आपको यहाँ पर उल्टी तरफ से दिखाती हूँ। देखिए
हमने यहाँ पर पाइपिंग लगाई है और हमारा जो बंद वाला फैब्रिक है वो इस तरफ आ गया है, और हमें यहाँ पर तुरपाई करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, और हमारे यहाँ पर फैब्रिक के कोई भी धागे नहीं निकलेंगे। इसलिए हम यहाँ पर हमेशा, मैंने काफ़ी सारी वीडियोस बनाई हैं और उसमें मैंने पट्टी जो और ये पट्टी लगाई है मैंने पाइपिंग बनाने के लिए, वो मैंने ऐसे ही लगाई है, और उस वीडियो में मैंने आपको यहाँ पर ऐसे ही बताया है। अगर आप यहाँ पर इस मेथड से पाइपिंग लगाएंगे तो आपकी पाइपिंग कभी भी ख़राब नहीं लगेगी, और आपकी आपको ना तुरपाई करने की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही आपको यहाँ पर आपके फैब्रिक में कोई भी धागे निकलेंगे। तो देखिए अब हमें यहाँ पर क्या करना होगा, मैंने यहाँ पर ऐसे करके इसमें पाइपिंग लगा ली है। तो अब यहाँ पर अपने डिज़ाइन को लेते हैं, ये देखिए हमारा यहाँ पर डिज़ाइन है जिसको हमने यहाँ पर बुकरम पर पेस्ट किया था। अब हमें यहाँ पर क्या करना होगा, हम यहाँ पर ऐसे करके चौक से निशान लगाएंगे। ये निशान देखिए हम यहाँ पर जो हमारी बुकरम है उसको लगा रहे हैं, और जो हमारा फैब्रिक है वो एक्स्ट्रा उसको फोल्ड करते हुए हमें यहाँ पर ऐसे करके निशान को लगा लेना है। तो देखिए मैंने यहाँ पर ऐसे करके चौक से मार्किंग कर ली है। अब हमें यहाँ पर क्या करना होगा, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर ये पट्टी बताई थी, तो हम इस पट्टी को यहाँ पर ऐसे करके रखेंगे और इसी यहाँ पर इसी नाप की ऐसे करके काफ़ी सारी स्ट्रिप्स को कट कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पर ऐसे करके इसी नाप की काफ़ी सारी स्ट्रिप्स को कट कर लेते हैं। तो देखिए अब हम यहाँ पर क्या करना होगा, हम यहाँ पर ये देखिए हमें यहाँ पर इतना इंच का मार्जिन देते हुए यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर सेंटर में एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर सेंटर में एक लाइन ड्रॉ कर ली है। अब हमें यहाँ पर क्या करना होगा, हम इस पट्टी को यहाँ पर ऐसे करके रखेंगे। ये देखिए हमें यहाँ पर आधे इंच के भी कम मार्जिन से गैप देते हुए अपनी पट्टी को यहाँ पर ऐसे करके रखना है, और यहाँ पर एक सेंटर में सिलाई लगा लेनी है। तो चलिए यहाँ पर हम अपनी पट्टी को ऐसे करके रख लेते हैं। ये देखिए हमें यहाँ पर ऐसे करके रखना है और यहाँ पर सेंटर में सिलाई लगा लेनी है, और सेम प्रोसेस हमें अपने दूसरे वाले डिज़ाइन में भी करना होगा। ऐसे ही यहाँ पर पट्टी को लगाकर सेंटर में सिलाई लगानी है। तो चलिए यहाँ पर ऐसे करके टोटल अपने दोनों पार्ट को रेडी कर लेते हैं। गाइज ये देखिए मैंने यहाँ पर ऐसे करके अपने दोनों डिज़ाइन को रेडी कर लिया है। अब मैं देखिए मैंने यहाँ पर अपना पूरा एक डिज़ाइन रेडी कर लिया है। मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ कि हमें अपना दूसरा डिज़ाइन कैसे रेडी करना है। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर इसको यहाँ पर ऐसे करके फोल्ड करेंगे और यहाँ पर स्टिच लगाएंगे, और देखिए इसको यहाँ पर पूरा ऐसे प्रॉपर फोल्ड करना है, पूरा पलट देना है, और फिर इसके बाद हमें यहाँ पर इसके पास ऐसे ही दूसरे को भी पलट देना है। और देखिए इसको पलटने के बाद यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है जैसे मैंने इस तरफ लगाई है, और सेम प्रोसेस हमें इधर भी करना है। इसको यहाँ पर ऐसे करके पलट देना है और सिलाई लगा लेनी है। तो चलिए इसको यहाँ पर ऐसे करके पलट लेते हैं, और देखिए ये पलटने के बाद हमारा डिज़ाइन यहाँ पर ऐसे करके बन जाएगा। आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, हमें यहाँ पर ऐसे करके अपने डिज़ाइन को भी रेडी कर लेना है जैसे मैंने वाले डिज़ाइन रेडी किया है। तो चलिए इसको भी यहाँ पर ऐसे करके रेडी कर लेते हैं। ये देखिए ऐसे करके हमने यहाँ पर अपने डिज़ाइन को बना लिया है। अब हमें यहाँ पर क्या करना होगा, हमारी जो ये गोलाई वाली साइड है, अब हमें यहाँ पर पाइपिंग बनानी होगी। तो पाइपिंग बनाने के लिए देखिए मैंने यहाँ पर मैचिंग की और एक की स्ट्रिप ली है, और इस स्ट्रिप को मैं यहाँ पर सिंगल लगाऊंगी। तो देखिए हम इसको यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर जो हमारा ये थोड़ा थोड़ा कपड़ा हम यहाँ से कट कर लेंगे। तो उसको कट करने के बाद मैं इसको यहाँ पर ऐसे करके रखूँगी और यहाँ पर एक स्टिच लगा लेंगे। तो चलिए यहाँ पर ऐसे करके एक स्टिच लगा लेते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पर ऐसे करके स्ट्रिप को लगा लिया है। अब हमें यहाँ पर क्या करना होगा, हम इसको यहाँ पर ऐसे करके रखेंगे और ऐसे करके पलट देंगे और यहाँ पर पाइपिंग बना लेंगे। देखिए मैंने यहाँ पर ऑलरेडी अपने एक पार्ट में पाइपिंग बना ली है। चलिए हम इसको यहाँ पर ऐसे करके पाइपिंग बना लेते हैं और यहाँ पर एक सिलाई लगा लेते हैं। चलिए इतना करते हैं। देखिए हमने यहाँ पर अपने दोनों डिज़ाइन में पाइपिंग लगा ली है। अब हमें यहाँ पर क्या करना होगा, हम ये बीच वाला हिस्सा लेंगे, और देखिए मैंने यहाँ पर चौक से मार्किंग कर ली है, आपको दिखाई दे रही होगी। और ये मार्किंग मैंने यहाँ पर जो हमारी बुकरम है उसको मैंने यहाँ पर ऐसे फोल्ड करते हुए, देखिए हमारी ये क्रीज बन रही है, ऐसे मैंने यहाँ पर ये पाइपिंग चौक से निशान लगाया है। अब हमें यहाँ पर क्या करना होगा, हम यहाँ से इसको ऐसे करके बिल्कुल मिलाते हुए यहाँ पर एक सिलाई लगाएंगे, और फिर इसको इधर से ऐसे मिलाते हुए यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। और देखिए यहाँ पर ये हमारा थोड़ा सा फैब्रिक, ये देखिए हमारा डिज़ाइन यहाँ पर आकर ख़त्म हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा, हम फिर यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर यहाँ पर ऐसे करके पाइपिंग को रखेंगे और यहाँ पर ये देखिए
जब हमारा डिज़ाइन यहाँ पर आकर ख़त्म हो जाए तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा, हम इसको यहाँ पर ऐसे करके एक दूसरे के ऊपर पाइपिंग को ऐसे करके रखेंगे और यहाँ पर स्टिच लगा लेंगे। तो चलिए इसको यहाँ पर ऐसे करके स्टिच लगा लेते हैं अपने दोनों साइड। देखिए हमने यहाँ पर ऐसे करके दोनों को अटैच कर लिया है। अब हमें यहाँ पर क्या करना होगा, देखिए हमें यहाँ पर अपना ये वाला बुकरम का पीस लेना है और इस पीस के हमें यहाँ पर ऐसे ही एक पीस और कट करना होगा। ये देखिए अभी हम यहाँ पर क्या करना होगा, हम इसको यहाँ पर ऐसे करके रखेंगे और इसको यहाँ पर ऐसे रखने के बाद हम यहाँ और यहाँ सिलाई लगाएंगे। ये दो साइड हम खुली छोड़ देंगे हम इस गोलाई में और यहाँ पर इस नोक पर सिलाई लगा लेंगे। तो चलिए इसको यहाँ पर ऐसे करके सिल लेते हैं। देखिए गाइज मैंने यहाँ पर ऐसे करके सिलाई लगा ली है। अब मुझे यहाँ मैं यहाँ पर इसको ऐसे करके पलट दूंगी और देखिए यहाँ पर हम ऐसे करके सीजर की हेल्प से इस नोक को बाहर निकाल लेंगे। तो चलिए इस नोक को यहाँ पर बाहर निकाल लेते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पर अपने दोनों डिज़ाइन को ऐसे करके पलट लिया है। अब हमें यहाँ पर क्या करना होगा, हम अपना यहाँ पर ऐसे करके इसको रखेंगे और देखिए इसको यहाँ पर ऐसे करने के बाद यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। तो चलिए यहाँ पर ऐसे करके सिलाई लगा लेते हैं। मैंने इसको यहाँ पर ज्वाइंट कर लिया है और मैंने यहाँ पर मार्किंग भी कर ली है। और हमें यहाँ पर मार्किंग ये देखिए हम इसको यहाँ पर ऐसे करके फोल्ड करेंगे और हमारे यहाँ पर बुकरम की क्रीज बन करके आ गई है और मैंने यहाँ पर ऐसे करके इसकी मार्किंग भी कर ली है। अब हमें यहाँ पर क्या करना होगा, हम अपने यहाँ पर सूट को लेंगे। देखिए हमने यहाँ पर अपने सूट को ऐसे करके सेट कर लिया है। अब हम यहाँ पर डिज़ाइन लगाएंगे। तो देखिए हम इसको यहाँ पर ऐसे करके रखेंगे और देखिए हमारी जो यहाँ पर किनारी है ये किनारी हमारी यहाँ पर ऐसे आनी चाहिए। तो देखिए हमारा यहाँ पर डिज़ाइन कुछ इस टाइप से आ गया है। अब हमें यहाँ पर क्या करना होगा, देखिए हम यहाँ पर ऐसे करके जो हमने यहाँ पर चौक से ड्राफ्टिंग कर रखी है हमें उसके ऊपर यहाँ पर ऐसे करके रखना है और यहाँ पर ऐसे करके सिलाई लगा लेनी है। तो चलिए यहाँ पर ऐसे करके इस डिज़ाइन को अटैच कर लेते हैं अपने सूट में। गाइस ये देखिए मैंने यहाँ पर इसको ऐसे करके अटैच कर लिया है और हमारे यहाँ पर डिज़ाइन बन करके रेडी हो चुका है। और देखिए हमने यहाँ पर कितना ज़्यादा ईजी डिज़ाइन बनाया है और ये डिज़ाइन बहुत ज़्यादा आप इजिली बिगिनर्स भी इस डिज़ाइन को बना सकते हैं। और कैसी लगी आपको वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।